अभिषेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, अपनी गाड़ी और अपना समय देने के लिए और अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बिल्कुल हिमांशु, चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कार्स प्लस बाइक्स। तो आज हम लेके आए हैं मारुति सुजुकी इग्निस का ओनरशिप एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मेरे साथ है मिस्टर अभिषेक जी, जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं अभिषेक जी से। अरे कहाँ चले गए अभिषेक जी, ये तो दिख ही नहीं रहे। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, अपनी गाड़ी और अपना समय देने के लिए और अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बिल्कुल हिमांशु, चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, ये अभिषेक जी फिर से गायब हो गए। अरे अभिषेक जी कहाँ चले गए? अभिषेक जी क्या कर रहे हो? वीडियो बनाना था हमें। अरे वो ऑफिस का एक कॉल आ गया था तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया मैं। ओहो, और ये अपनी इग्निस का पूरा फायदा उठा रहे हैं। आए तो ये हमारे साथ वीडियो बनवाने थे, पर इनका कॉल आ गया ऑफिस से और ये अपना काम निपटाने में लगे हैं। अभिषेक जी आप ये बताइए कि ये कार आपने कब खरीदी, कितना टाइम हो गया आपको इसे चलाते हुए, और आपकी इस कार परचेज के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, और उन रिक्वायरमेंट्स के बेस पे आपने कौन कौन सी कार शॉर्टलिस्ट की थी और उसमें से आपने इग्निस ही क्यों चुनी? ओके, तो ये कार हमने जून 2020 में ली थी। लॉकडाउन वाले सिचुएशन चल रही थी, बिल्कुल सब कुछ बंद था, तो हमें मारुति ने नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी दी बिल्कुल, और घर पर डिलीवर कर दी, हम शोरूम गए भी नहीं थे। हमारी रिक्वायरमेंट थी एक कॉम्पैक्ट कार जो कि इजी हो मनूवर करनी सिटी में, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिटी में ही चलानी थी। मेरी फैमिली में सब लोग थोड़े लंबे हैं तो हमें थोड़ी ऐसी चाहिए थी जो कि थोड़ी स्पेशियस हो, सब लोगों को अकोमोडेट कर पाए इजीली। वैसे तो सिंगल ड्रिवन ही होती है ज़्यादातर, बट थोड़ी कंफर्टेबल हो चलाने में। हाँ, मतलब कार ले रहे हैं तो सोचता है कि आदमी ऐसी कार ले ले कि सब बैठें तो भी इशू ना आए। एग्जैक्टली, कभी अगर पाँचों लोगों को एक साथ बैठना पड़े तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। जो ऑप्शन हमने एक्सप्लोर किए थे उस टाइम पे, हमने स्विफ्ट की टेस्ट ड्राइव ली थी और ग्रैंड i10 की भी टेस्ट ड्राइव ली थी, नियोस की टेस्ट ड्राइव ली थी हमने, बट वो हमें बहुत नीचे लगी गाड़ियाँ, बिकॉज लाइक आई सेड हम फैमिली में सब लंबे हैं तो उनके पैर आराम से फिट नहीं आ पा रहे थे उस टाइम पे उन गाड़ियों में। उस हिसाब से हमें इग्निस सबसे सही लगी क्योंकि सबकी बेंच टाइप पोजीशन है, सीटिंग पोजीशन थोड़ा अपराइट बैठते हैं तो सबको थोड़ा कम्फर्टेबल लगी ये वाली गाड़ी, तो इसलिए हम इसके लिए चले गए। और आपने अल्फा मॉडल ही क्यों चुना? अल्फा मॉडल हमने इसलिए चुना कि लाइक फीचर लोडेड थी ये काफ़ी ज़्यादा, लाइक ये टच स्क्रीन मिल गई हमको और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल गए, अलॉयज मिल गए और ये फोल्डिंग वाले मिरर्स मिल गए। सब फीचर्स के लिए हमें लगा कि अल्फा मॉडल ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। इंजन के बारे में बताइए, इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, तो आपका इंजन के बारे में क्या रिव्यू है? अच्छा है, बुरा है, पिकअप कम है, ज़्यादा है, क्या कहना है आपका? इंजन तो वैसे काफ़ी साइलेंट है, ऐसे केबिन में बैठ के आपको कोई नॉइज नहीं सुनाई देगी जो कि एक पेट्रोल इंजन से एक्सपेक्टेड भी है। पिकअप मतलब मैं थोड़ा इंथुजियास्ट की तरह चलाता हूँ तो उस तरह मुझे थोड़ी कम लगती है, और मेरे को डीजल गाड़ियाँ चलाने की आदत है, लाइक बलेनो चलाता था मैं इससे पहले तो उसकी पिकअप तो बहुत ही ज़्यादा थी, अगर मैं उसकी टॉर्क से कंपेयर करूँ तो मुझे थोड़ी कम लगती है, बट ओवरऑल ठीक है। अगर आप देखें तो लीनियर पिकअप है और इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो ऐसी ही मिलती है। तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप एक टर्बो चार्ज कार से कंपेयर करें तो डेफिनेटली पिकअप कम लगेगी क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। डेफिनेटली, बट अगर हमारे व्यूअर्स कोई इग्निस लेना चाहता है तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि इंजन की तरफ से उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत है कि इंजन कम पावर्ड है या ज्यादा पावर्ड है, उनको क्या कहना चाहेंगे या सफिशियंट है? नहीं, मैं ऐसे कोई उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई थिंक फ्रॉम अ फैमिली कार पर्सपेक्टिव बिल्कुल सफिशियंट है। कभी भी आपको कुछ ऐसा कमी महसूस नहीं होगी, कभी मेरे को भी ओवरटेक्स करने होते हैं कुछ तो एक गियर नीचे डाउन कीजिए और आराम से आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो मतलब गियर बॉक्स स्मूथ है या नहीं है या कोई इशू फेस हुआ है आपको गियर बॉक्स? नहीं, मुझे कोई इशू इसमें अभी तक तो फेस कुछ नहीं हुआ है और बहुत स्मूथ लगता है मेरे को, बिल्कुल आराम से सिटी ट्रैफिक में भी आप जब 1-2 अगर आपको करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं,
बिल्कुल स्मूथ है गियरबॉक्स, मतलब मैनुअल कार के हिसाब से काफी अच्छा गियरबॉक्स है। मैनुअल होते हुए भी आदमी इसे कंफर्टेबली ट्रैफिक में ड्राइव कर सकता है। आपने इसे जब हाईवे पे चलाया तो आपको इसकी राइड एंड हैंडलिंग कैसी लगी, मतलब कार हाईवे पर हाई स्पीड्स पर मतलब 100-120 पर स्टेबल है, या जैसा कि लोग कहते हैं कि मारुति की गाड़ी हल्की है तो इतनी स्टेबल नहीं रहती? तो नहीं, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि सेफ नहीं रहती या स्टेबल नहीं रहती। मैंने इसे 120 तक चलाया है, ऑल्दो मैं किसी को प्रेफर रिकमेंड नहीं करूंगा 120 तक चलाने के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक इंडियन रोड्स इतनी सफिशियंट हैं, बट मेरे हिसाब से पूरी स्टेबल रहती है। और आई थिंक जो इसका स्ट्रक्चर मारुति ने बनाया है वो गो कार्ट टाइप व्हीकल की तरह बनाया है, जिसमें कि टायर्स को पुश कर दिया है थोड़ा राउंड द कॉर्नर्स और ऊपर थोड़ी उठा दिया गाड़ी, तो कभी कभी मुझे थोड़ी सी बॉडी रोल फील होती है, बट आई थिंक ओवरऑल तो गाड़ी हाई स्पीड्स पे भी बिल्कुल स्टेबल रहती है। मतलब हाई स्पीड पे अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो गाड़ी स्टेबल रहती है, लेकिन अगर मान लो कोई 80 पे थोड़ा कॉर्नरिंग कर रहा है तो उसे बॉडी रोल फील हो सकता है। हाँ, या किसी फ्लाईओवर पर अगर हम कोई 60-70 की स्पीड पे फ्लाईओवर पे टर्न मार रहे हैं तो उसे बॉडी रोल फील हो सकता है। हाँ, मतलब अगर मान लीजिए 5 लोग गाड़ी में बैठे हैं, वेट है गाड़ी में, मोमेंटम बहुत बिल्ड हो गया और तब आपने कोई शार्प टर्न ले लिया तो बॉडी रोल, क्योंकि हाइट ज्यादा है। एग्जैक्टली, बट ऐसा कोई तभी करेगा अगर कोई कार को रैली कार की तरह चलाएगा, फैमिली कार की तरह चलाएगा, तो ये कोई समस्या वाली बात नहीं है। सस्पेंशन कैसी है? सस्पेंशन मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है, बल्कि थोड़ी सी ऑन द हार्डर साइड में कहूंगा, विच इज आई थिंक सफिशियंट एंड गुड फॉर इंडियन रोड्स, बिकॉज इंडियन रोड्स आपको पता ही है कि काफी बंपी राइड्स हो जाती हैं। तो थोड़ा बहुत आपको फील हो जाएगा जब आप हाई स्पीड पे किसी गड्ढे से निकाल दें, नहीं तो उसके अलावा फॉर स्पीड ब्रेकर्स एंड ऑल तो आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट है, हाईवे पे भी ये बिल्कुल सही ट्यून्ड है। मारुति का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, हर जगह मारुति को एसोसिएट किया जाता है टिन कैन से, कि मारुति की कार है तो ये टिन कैन होगी और इसमें सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने इस गाड़ी पर अपने 7 लाख के करीब लगाए हैं, तो आपका क्या कहना है सेफ्टी को लेके? देखिए, टिन कैन वाली बात से तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा। अगर आप देखें तो बेसिक सेफ्टी फीचर्स तो इसमें है ही, लाइक फॉग लैंप्स हैं, 2 एयरबैग्स इसमें दिए गए हैं ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड भी, तो आई थिंक सेफ्टी वाइज तो पूरी इक्विप्ड है ये गाड़ी। बाकी आई फील कि सेफ्टी तो एक इंडिविजुअल के अपने हैंड्स में होती है, कि लाइक आई थिंक इंडियन कंडीशंस ऐसी है ही नहीं कि आप बहुत फास्ट चलाएं या फिर आप बहुत रैश चलाएं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास वॉक्सवैगन या टाटा की कोई गाड़ी है या और वॉल्वो भी है, बट आप फास्ट चला रहे हैं तो आप सेफ हो जाएंगे, बट बाकी जो पेडिस्ट्रियंस हैं उनके लिए वो सेफ्टी नहीं रहेगी। तो आई थिंक सेफ्टी तो उसको कहा जाता है कि जब ओवरऑल एवरीबडी सेफ ऑन द रोड्स, तो आई फील दैट ऐसा कुछ टिन कैन वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक इट इज इक्विप्ड विद बेसिक सेफ्टी फीचर्स। हाँ, मैं ये एग्री करूंगा कि गाड़ी थोड़ी हल्की है, ऑन द लाइटर साइड है, बट आई फील कि जितनी सेफ्टी होनी चाहिए, जितनी बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज देयर, वो मारुति इंश्योर करती है। अगर आप एनकैप रेटिंग्स भी देखें तो बोथ यूरो एज वेल एज ग्लोबल वाली ग्लोबल एनकैप इज गुड इनफ, और आई थिंक कि उस हिसाब से तो गाड़ी इज ओके। हाँ, बिल्ड क्वालिटी जैसे मैंने कहा कि इज ऑन द लाइटर साइड, बट उससे आपको माइलेज थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, आपका पावर टू वेट रेशियो थोड़ा अच्छा हो जाता है, आपकी थोड़ी ड्राइवेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ रियली गुड कार और मैं तो इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। मतलब उस उतने ही पैसों में अगर बिल्ड हल्का है तो आपको फीचर्स भी देती है, माइलेज, तो ओवरऑल पैकेज अच्छा प्रोवाइड करती है और एक कम पैसों में अच्छी फैमिली कार वाली चीज प्रोवाइड करती है। अगर हम इतने ही पैसों में मान लीजिए कोई फॉक्सवैगन पोलो ले लेता है, ठीक है, मेरे पास भी पोलो है, लेकिन पोलो में फिर काफी चीजों का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जैसे इंटीरियर स्पेस का कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो सब चीजें यहाँ पर थोड़ी सही है। एब्सोल्युटली, जैसे पोलो में आपको वो दरवाजा बंद करने में थर्ड मिल जाएगा, वो चीजें शायद यहाँ ना मिले, बट ओवरऑल इट्स गुड इनफ। वही बात है, आपको सब कुछ तो नहीं मिल सकता है, आपको एक चीज कम मिलती है तो एक चीज ज्यादा भी मिलती है। डेफिनेटली, मैं सेफ्टी के लिए एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक पीछे भी सीट बेल्ट लगाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आगे। तो आई थिंक अगर आप पीछे भी बैठ रहे हैं तो सीट बेल्ट आप जरूर लगाएं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में ही है। जी, तो और इसीलिए जो सीट बेल्ट है वो भले ही थर्ड पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर एक लैप बेल्ट जरूर दी जाती है। yes. क्योंकि सीट बेल्ट लगाना उतना ही जरूरी है, फर्क नहीं पड़ता कि हम आगे वाली सीट पे बैठे हैं पीछे। डेफिनेटली। इंटीरियर स्पेस कैसा है इग्निस का? अभी फ्रंट सीट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। मुझे तो काफ़ी स्पेशियस लगता है, लाइक फुटवेल काफ़ी स्पेशियस है आराम से, जैसे मेरी हाइट 5'11" है फॉर रेफरेंस, तो आराम से मेरे पैर आ जाते हैं इसमें, और शोल्डर रूम भी इनफ है। लाइक मेरा ब्रदर 6'2" है ऑलमोस्ट हाइट में, उसको भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। अभी सीट पूरी पीछे की हुई है और तब भी आई थिंक इनफ स्पेस है नीज़ के लिए, एंड एज वेल एज वाइड फुटवेल भी काफ़ी है।
ड्राइविंग पोजीशन एडजस्ट करना इसमें इजी रहता है या कोई इशू आता है? आई थिंक ये तो अल्फा मॉडल है तो इसमें तो बोथ सीट हाइट एज वेल एज फ्रंट बैकवर्ड आप आराम से कर सकते हैं एंड स्टेयरिंग भी एडजस्ट आराम से करा ही जा सकता है. वैसे इग्निस इज नोन फॉर इट्स अपराइट राइडिंग पोजीशन तो उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है. और अल्फा में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं सो दैट आपका रोड व्यू काफ़ी अच्छा है. वन ऑफ द मेन रीजंस मेरे लिए ये परचेज करने के लिए यही था कि इसकी राइड पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है. इवन लॉन्ग जर्नीज के लिए भी आप आराम से चला सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट रोड व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है और आप बहुत कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करते हैं गाड़ी चलाते समय. लोग जनरली वैसे अल्फा इतना प्रेफर नहीं करते बट हम अल्फा के लिए इसलिए गए क्योंकि सारे बेल्स एंड विसल्स मिल जाते हैं इसमें. एंड आई थिंक जैसे मारुति इसे प्रमोट करता है अर्बन एसयूवी टाइप्स तो आई थिंक ये उस स्पेस में फॉल करती है और थोड़ी बहुत एसयूवी टाइप फील भी दे देती है. तो अगर आप 7 लाख सेगमेंट में देखें तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक बाय है. पीछे इसका स्पेस कैसा है और इसके जो बैकरेस्ट एंगल है ये काफ़ी अपराइट है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक पीछे सफिशियंट स्पेस है. लाइक लेग रूम अगर आप देखें नी रूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है यहाँ पे आपको और आई थिंक 5 पैसेंजर्स के लिए भी बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे 3 आराम से आ सकते हैं. आप देख ही सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्पेस है. ऑल्दो अगर यहाँ पे 3rd पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट दे देते तो बहुत ही अच्छा हो जाता है. बहुत ही हट्टे कट्टे 3 लोग नहीं है, नॉर्मल है, फिट 3 लोग हैं तो वो बड़े आराम से आ जाएंगे. एब्सोल्युटली 3 स्लिम लोग तो आराम से आ सकते हैं बट अगर थोड़े ऑन द हेवियर साइड है तो आई थिंक 2 लोग ही कंजेस्टेड हो जाएंगे. हाँ, 2 लोग ही ऑक्यूपाई कर पाएगी बैक सीट. बट अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो फ्लोर काफ़ी फ्लैट है तो आराम से बैठ सकते हैं. इधर कप होल्डर्स हैं बट वो भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेते तो एक शॉर्ट हाइट का बंदा तो यहाँ आराम से बैठ सकता है. पोजीशन थोड़ी सी तो अपराइट है तो लॉन्ग जर्नीज के लिए तो आप मतलब 200-300 किलोमीटर तक तो जा सकते हैं बट उसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़े बिकॉज थोड़ा सा अपराइट है. ये थोड़ा अपराइट है तो इतनी लंबी जर्नी के बाद आदमी एक्सपेक्ट करता है कि वो थोड़ा रिक्लाइन होकर लेट जाए, वो कम्फर्टेबल रहेगा. बट वहीं मुझे लगता है कि अपराइट होना एक फायदा भी है. एग्जैक्टली कि आपको बैक पेन्स नहीं होते हैं. पेन नहीं होते तो जितना आप अगर आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी तो आपको बैक पेन होने की प्रोबेबिलिटी कम है. तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप ज़्यादा टाइम बैक सीट पे स्पेंड करते हैं और आपकी जर्नी बहुत बड़ी नहीं है तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी सीट पोजीशन है. अगर मैं बलेनो या एस्क्रॉस से कंपेयर करूँ तो उनकी थोड़ी ज़्यादा रिक्लाइंड है तो यस लॉन्ग जर्नी के लिए डेफिनेटली वो थोड़ी कम्फर्टेबल हो सकती है. अंडर थाई सपोर्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है. लाइक अगर आप अभी भी देख ही सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से सपोर्ट मिल पा रहा है और ये भी काफ़ी फ्लैट है, यहाँ पे कोई स्कूप नहीं है तो 3rd पर्सन आराम से बैठ सकते हैं. तो मतलब अगर किसी को कोई सेगमेंट में कार देख रहा है, फैमिली कार, उनके घर में 5 लोग भी हैं तो वो भी इस कार की तरफ आराम से जा सकते हैं. यस डेफिनेटली. और पीछे एसी वेंट नहीं है इस कार में. मैंने सुना है बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि रियर एसी वेंट मिसिंग है. ग्रैंड आई 10 ईयर्स में तो रियर एसी वेंट है तो आपको क्या लगता है कि रियर एसी वेंट का ना होना क्या एक बहुत बड़ी चीज है इतनी छोटी गाड़ी के लिए या कोई फर्क नहीं पड़ता है? आपका क्या कहना है इस पे? आई थिंक फर्क तो नहीं पड़ता है बट एक फीचर है, गुड टू हैव है. अगर आप कंपेयर करें दो गाड़ियों को तो उस हिसाब से अगर एक कोई गाड़ी उस फीचर को चेक मार्क करती है तो वो उसके लिए एडिशन है. लेकिन इसका एसी आई थिंक मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं है, काफी स्ट्रांग है और जल्दी से लाइक विद इन 15 मिनट्स ही पूरी गाड़ी ठंडी हो जाती है. इवन ऑन अ वेरी हॉट डे आप इसे आराम से 15 दिन में ठंडा कर लेंगे. तो आई डोंट थिंक कि मतलब अगर मैं इधर एसी वेंट की भी बात करूं तो वो भी उससे भी बहुत ज्यादा हवा नहीं आती. इट्स बेसिकली अ फैन जो कि फिर से उसी एयर को आगे करता है तो आई थिंक उसके बिना भी इग्निस में तो काम चल जाएगा. तो गाइज मैं इनकी गाड़ी का स्पेस चेक कर रहा था. आप देख सकते हो कि इनके बूट में मैं तो बड़े आराम से बैठा हूँ, मतलब एक बंदा बैठ भी सकता है. और बूट बहुत बड़ा नहीं कहूँगा मैं लेकिन एक छोटी कार के हिसाब से काफ़ी स्पेशियस और प्रैक्टिकल लेआउट वाला बूट है. और आप देख सकते हो कि इनकी जो सीट है ये भी 60-40 स्प्लिट है. तो ये जो 60-40 वाली चीज़ है काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है हमें इग्निस में. इसके लिए एक डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने बनाया हुआ है ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करती है, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एक्सटीरियर में आपको इसके क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा? सबसे पहले तो आई थिंक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें मिल गए हमें, वो काफ़ी अच्छा फीचर है टू हैव. और आई थिंक इसमें फॉग लैम्प्स और हैलोजन ही है तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहता है इन फॉगी कंडीशंस. तो आई थिंक उस हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिकल था ये हमारे लिए. अलॉय व्हील्स अच्छे मिल गए, ब्लैक पियानो ब्लैक. फॉग लैम्प के लिए हमें एक बार फिर से बताइए कि हैलोजन वाले फॉग लैम्प्स क्यों बेटर रहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो येलो लाइट थ्रो करते हैं. अगर आप एलईडी फॉग लैम्प्स की बात करें तो वो वाइट लाइट देते हैं
और फॉगी कंडीशंस में येलो लाइट ज़्यादा आपको विजिबिलिटी इंक्रीज करती है, इट मोर एसयूवी लुक। ये जो पीछे इन्होंने ये गार्निश लगा दिया है, आई थिंक इससे लुक काफ़ी इनहेंस हो गई है। पिछले वाले इग्निस में यहाँ एक ब्लैक कलर का कुछ एक्सटी खराब लगता था और बैक भी इसकी काफ़ी क्रिटिसाइज भी होती थी। ये जो चीज़ दी गई है इसका सिग्नेचर लुक, इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये आपको पसंद है या ये ख़राब लगता है? ख़राब तो नहीं लगता, बट मुझे पसंद भी इतना कुछ नहीं है, बट ठीक है, इट गिव्स अ यूनिक लुक। मैंने किसी और गाड़ी में ऐसा नहीं देखा है, तो आई थिंक उस हिसाब से लुक इन्हेंस ही करता है थोड़ा। ये वाला कलर क्यों चुना? क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि ये कलर इग्निस में बहुत कम बिकता है, कोई इसे ज़्यादा खरीदता नहीं है, आपने ही इसे क्यों खरीदा? यस डेफिनेटली, ये कलर मुझे काफ़ी पसंद आया और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे को गाड़ी अपने छोटे भाई के लिए लेनी थी और उसी को ज़्यादा ड्राइव करनी थी, तो थोड़ी यंग फील देता है ये कलर और थोड़ा यूनिक लगता है। इंडियन रोड पे तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो ये कलर थोड़ा स्टैंड आउट करता है और किसी गाड़ी में थोड़े ऐसे यंग और डायनेमिक से कलर मुझे नहीं मिले। आपकी कार दिल्ली में चलती है तो इस चीज़ की आपको कोई चिंता नहीं थी कि इसमें स्क्रैच वगैरह लगेंगे? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि स्क्रैच पड़ जाएंगे गाड़ी पे तो या तो व्हाइट ले लो या सिल्वर ले लो, वो अपने मनपसंद कलर पे थोड़ा कंजर्वेटिव होके जा नहीं पाते हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए स्क्रैच तो आप उनसे तो नहीं बच सकते, आपने गाड़ी ली है तो वो सड़क पे ही चलेगी, तो स्क्रैचेस तो उस पे लगेंगे ही। अभी भी आप देखिए ज़्यादा पुरानी नहीं है और काफ़ी इस पे स्क्रैचेस ऑलरेडी आ गए हैं, तो वो चीज़ के साथ तो आई थिंक हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लिया कि स्क्रैचेस तो लगेंगे। इससे पहले जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सब ऐसे ही वाइट सिल्वर ही हमने ली थी, तो इस टाइम हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए। हाँ, तो अभिषेक जी एक बार इसके प्रोज की बात कर लेते हैं, आपको इस गाड़ी में जो स्टैंड आउट पॉइंट्स है वो क्या लगे, जो आपको सबसे फायदे वाली चीज़ें लगी इसमें और कुछ यूनिक चीज़ें लगी? तो कुछ पॉइंट मुझे काफ़ी स्टैंड आउट लगे इसमें। सबसे पहले तो ये पडल लैंप्स, ये अगर आप देखेंगे तो एस क्रॉस में भी नहीं देती है मारुति, तो ये इसमें मिल गए। बलेनो में ऑल्दो ये आते हैं तो ये इसमें मिल गए। ये आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर आप कभी रात में उतर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको ये लाइट प्रोवाइड कर देते हैं। सेकेंडली इसकी ड्राइव हाइट, जो कि मैंने आपको बोला ही था कि ड्राइवेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से जो इसकी सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, वो आई थिंक और किसी गाड़ी में आपको इस सेगमेंट में नहीं मिलेगी। बूट लैम्प, वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर है टू हैव अगर रात में अगर आप कभी सामान निकाल रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मारुति ने इंक्लूड करे हैं, जो कि जनरली वो अपनी गाड़ी में से हटा लेते हैं, बट आई थिंक इग्निस में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। पैसेंजर साइड भी आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, तो अगर आप देखें आप आराम से यहाँ से भी खोल के आराम से एंट्री कर सकते हैं, विच आई थिंक इज़ अ रियली यूजफुल फीचर टू हैव। स्पॉयलर है ये फैक्ट्री फिटेड आया है या आपने बाहर से लगवाया? नहीं नहीं, ये फैक्ट्री फिटेड ही आया था, ये काफ़ी लुक इन्हेंस कर रहा है और ये स्की रैक भी इन्होंने दे दिया। तो अभिषेक जी अभी तक तो हमने बात कर ली सारी अच्छी अच्छी कि इग्निस में ये अच्छा है वो अच्छा है, पर अब बताइए कि इसमें खराब क्या लगा आपके हिसाब से, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आई इग्निस में? ओके, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। मेरे पास बलेनो और एस क्रॉस भी हैं, उसमें इसका पुराना वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ था, तो वो आई थिंक वो थोड़ा बेटर था। ये वाला मेरे को इतना पसंद नहीं आया, थोड़ा लैगी है ये और समटाइम्स ब्लूटूथ से पेयर नहीं होता। मैं इसे 2-3 बार फैक्ट्री रीसेट कर चुका हूँ तो भी ढंग से नहीं चलता है, तो आई थिंक ये इट इज़ समथिंग विच मारुति शुड लुक इन टू एंड इम्प्रूव इट। मे बी हो सकता है कि मेरे यूनिट के साथ प्रॉब्लम है और या फिर सबके साथ प्रॉब्लम है और मे बी मारुति से फ्यूचर अपडेट्स के साथ ठीक कर दे, बट अभी तो मैं इसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ और मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये थोड़ा इम्प्रूव हुआ जा सकता है। मतलब मारुति ने इसे प्रमोट तो किया था ये कह के कि स्मार्ट प्ले स्टूडियो आ रहा है हमारी गाड़ियों में और जो कि एक बेटर वर्जन है पुराने स्मार्ट पुराने वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम से, लेकिन आपके हिसाब से इसमें काफ़ी बग्स हैं जो होपफुली मारुति जो है अपने अगले अपडेट्स में सही कर देगी। येस डेफिनेटली आई थिंक मारुति शुड लुक इन टू दिस। एक और पॉइंट जो मुझे इसमें लगता है कि जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं, ये थोड़ा लुक्स का है तो इट इज़ मोर ऑफ अ पर्सनल ओपिनियन, कि ये जो वाइट एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं अगर आप देखें, तो ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपके हाथ टच होते हैं जनरली, तो इसलिए आई थिंक कि अगर ये ऑल ब्लैक होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, बट ये नीचे जितने भी ऐसे वाइट वाले एलिमेंट्स हैं ये उधर हैं जहाँ पे कि आपका हाथ टच होता है जनरली, और इसलिए इनके गंदे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो इग्निस के बेस मॉडल में ये ऑल ब्लैक है और वो काफ़ी अच्छा लगता है, बट अल्फा में और जीटा में ये इन्होंने वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन दे दिया है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक दैट मच। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा पैसे दे के भी कंपनी कभी कभी कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेती है जो लोगों को पसंद नहीं आते हैं। Yes. किसी किसी कार में तो वो ऑल ब्लैक इंटीरियर ये कह के देती है कि ये स्पोर्टी कार है, जैसे कि सियाज आरएस में देती थी मारुति। Yes. और अब इग्निस के केस में वो बेस मॉडल में ऑल ब्लैक इंटीरियर दे रही है जो ज़्यादा
ज्यादा स्पोर्टी लगते हैं। yes. तो खैर ठीक है, इसका तो क्या ही कर सकते हैं। और इसके अलावा और आपको क्या चीज है जो आपको पसंद नहीं है इसमें? एक तो ये मिरर मुझे नहीं अच्छा लगता, ये ऑटो डिमिंग होना चाहिए था, स्पेसिफिकली अल्फा में तो होना ही चाहिए था। आप इतने पैसे लगा रहे हो 7 लाख से ऊपर की आप कार खरीद रहे हो। यस, और उसमें भी अगर मेरे को ये मैनुअली करना पड़े तो आई डोंट थिंक दैट इज अ सैटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली ऑटो डिमिंग होना चाहिए था, ये एक बड़ा मिस है। बलेनो और एसक्रॉस दोनों में ही ऑटो डिमिंग आता है और दैट इज़ अ रियली गुड थिंग टू हैव अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं रात को। और आई थिंक दिल्ली एनसीआर में भी अगर आप देखेंगे लोग हाई बीम पे ही चलाते हैं गाड़ियाँ, तो ये बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है ड्राइवर को। एक और ऑप्शन जो यहाँ पे दिया जा सकता था वो है वैनिटी मिरर, ऑल्दो ये यहाँ पे है बट ये इधर भी दिया जा सकता था। इसमें भी लाइट नहीं है जो कि बलेनो एसक्रॉस में मिलती है, इसमें नहीं दी गई है। आई थिंक यहाँ पे वो होनी चाहिए थी बट वो मिसिंग है। इस बात पे अभिषेक जी मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि यहाँ पर वैनिटी मिरर की क्या जरूरत है, मतलब ड्राइवर को क्यों चाहिए वैनिटी मिरर? एक वैनिटी मिरर क्या काफी नहीं है कार में? नहीं, अगर आप उस हिसाब से देखें कि अगर कोई फीमेल गाड़ी चला रही है तो मे बी शी वॉन्ट्स टू टच अप बिफोर गोइंग टू ऑफिस या ऐसा कुछ, तो वो उसके लिए आप इधर बैठ के कर लो ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आपको गाड़ी में चलती गाड़ी में। तो ऐसा मैंने देखा है कि रेड लाइट पे लोग रुके हुए हैं और लोग इसको खोल के अपना मेकअप करने लग जाते हैं, मेरे हिसाब से तो वो एक बहुत सही चीज नहीं है। पर ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये भी कौन है, बट मैं इस चीज से असहमति अपनी जाहिर करना चाहूंगा। एक दो पॉइंट्स और जो मुझे ठीक नहीं लगते इसके, वो है एक तो कि इसका जो स्पीडोमीटर है वो लेफ्ट रोटेटेड है, तो इवन इफ आप अगर 80 पे चल रहे हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि आप कम पे चल रहे हैं, बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर कार्स यहाँ पे जनरली 30 या 40 ही आता है। और दूसरी चीज़ इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर जो अगर है वो ब्लैंक है, तो अगर आप बलेनो एसक्रॉस या मारुति की कोई और गाड़ी में देखेंगे तो वो जनरली बताता है कि कौन से गियर में आप हैं और क्या आपको अगर अपवर्ड शिफ्ट करना है या नहीं। तो ये मैनुअल में आपको नहीं मिलेगा इग्निस में, ये सिर्फ आपको एएमटी में ही मिलेगा। और एक और पॉइंट है कि इसमें सनग्लास होल्डर नहीं है। मैं जनरली सनग्लास लगा के ही गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे यहाँ ये नीचे रखना पड़ता है अपना सनग्लास वॉलेट वगैरह भी, तो उस हिसाब से आई थिंक अगर एक सनग्लास होल्डर भी इसमें होता तो वो बहुत प्रैक्टिकल फीचर हो जाता और बहुत ही बेनिफिशियल रहता। इग्निस 2020 अल्फा को ड्राइव करके देखते हैं, तो ड्राइव करते हुए मैं सबसे पहले इसकी स्टेयरिंग वाली चीज़ को देखना चाहूँगा, क्योंकि इग्निस में सबकी यूज़र्स की, काफ़ी यूज़र्स की ये कंप्लेंट रही है कि इसका जो स्टेयरिंग है वो सेंटर पे रिटर्न नहीं होता है टर्न करने के बाद। यू टर्न लेता हूँ, ये मैंने यू टर्न लिया और ये मैंने स्टेयरिंग छोड़ दिया। आप देख सकते हो कि स्टेयरिंग खुद से आ गया था, उतना फास्ट नहीं आया, हल्का सा मुझे इनपुट देनी पड़ी क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ी सी तेज़ थी, बट स्टेयरिंग खुद से पूरा रिटर्न हो गया। तो मुझे लगता है कि शायद मारुति ने कुछ चेंजेस किए हैं स्टेयरिंग में, क्योंकि इस वाले वर्जन में जो 2020 वाली इग्निस है इसमें वो चीज़ नहीं है। और जैसे ही मैं स्टेयरिंग को टर्न करता हूँ तो बैक टू सेंटर वाला एक एक्शन जो है वो अपने आप होता है और मुझे वो फोर्स फील होता है स्टेयरिंग के अंदर। मैं फिर से एक बार आपको यू टर्न लेके दिखाता हूँ। तो अभी मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग जो है ये पूरा टर्न कर दिया है, ठीक है। अभी मैं हाथ से इनपुट्स नहीं दूंगा, अभी देखेंगे ये खुद से कितना होता है। ये देखिए, ये खुद से हो गई, सीधी हो गई गाड़ी और सेंटर पे आ गया स्टीयरिंग। फिर मैंने इसका स्टीयरिंग पकड़ के थोड़ा और घुमाया, तो यहाँ पर फिर से हम टेस्ट करेंगे स्टीयरिंग रिटर्न वाली चीज़। तो ये मैंने स्टीयरिंग पूरा घुमा दिया है और अब मैं यहाँ पर स्टीयरिंग छोड़ देता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये खुद से स्टीयरिंग आ गया, इतना खुद से सेंटर पे रिटर्न हो गया। वो कार में ये प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे तो काफ़ी यूज़र्स ने ये चीज़ जो है वो काफ़ी बार रिपोर्ट की है। एक बार फिर से मैं उसी यू टर्न पे आ गया हूँ और एक बार देखते हैं, मैंने हाथ छोड़ दिए हैं और ये देखते हैं ये स्टीयरिंग मेरी गाड़ी का खुद से सीधा हो गया और ये सीधी चल रही गाड़ी। अब मैंने इनपुट्स दिए हैं, 120 से ऊपर आप चलाओगे तो अपने रिस्क पर चलाओगे, उससे ऊपर आपको चलानी नहीं चाहिए। ये हमने फिर से एक यू टर्न ले लिया और मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया और ये फिर से रिटर्न हो गया। तो व्यूअर्स को मैं यही बताना चाहूँगा, स्टीयरिंग में ये प्रॉब्लम नहीं है, 2020 वाली गाड़ी हम चला रहे हैं और उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आया है। तो जो गियर्स हैं सॉफ्ट हैं, मतलब बिल्कुल जॉयस्टिक की तरह फील होता है मुझे।
आजकल हम ये प्रेफर करते हैं कि हम ऑटोमेटिक कार्स लें, कार चलाएं, बट ये इग्निस मैनुअल जो है ये ऐसी कार मैं कह सकता हूँ कि ट्रैफिक में भी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गियर चेंजेस करने पड़े वहाँ पर भी ये काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है। और जो इसका ये जो गियर का जो इतना स्मूथ और लाइट शिफ्ट है ना, ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं सेकेंड गियर में चल रहा हूँ, और अगर मैं कार में इमीडिएट पिकअप देता हूँ तो वो टर्बोचार्ज वाला सर्ज तो मुझे नहीं मिलता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंजन की जो पिकअप है मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ है। एक आप इस फैमिली कार की तरह यूज़ करें या आप एक इसे थोड़ी फन टू ड्राइव कार की तरह भी यूज़ करें तो आपको ये कार बहुत अच्छी लगने वाली है। इस गाड़ी को किसी और के साथ ड्रैग रेस लगाने लग जाएं और सामने वाला कोई और टर्बोचार्ज कार ले आए तो आपको लगेगा कि इस कार में पिकअप कम है, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से इस कार की जो पावर है वो मोर देन इनफ है। तो हिमांशु, आप अपनी पोलो से अगर इसे कंपेयर करें तो आपको कैसी लग रही है? पोलो से मैं ये कंपेयर करूं तो देखिए, मैं बहुत ही सेडेट ड्राइवर हूं, मैं बहुत ही रिलैक्स मैनर में गाड़ी चलाता हूं। मुझे तो पोलो 1.0 MPI भी बहुत ही एडिक्वेटली पावर्ड कार लगती है, क्योंकि मुझे भगाने का शौक नहीं है। लेकिन अगर मैं पोलो के 1.0 MPI 3 सिलेंडर इंजन को इग्निस के 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन से कंपेयर करूँ, इसका इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, इसके अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है और इंजन की साउंड बिल्कुल नहीं है उस 3 सिलेंडर के मुकाबले। पावर की मैं बात करूँ, एक्सेलरेशन की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली इसकी एक्सेलरेशन उससे थोड़ी ज़्यादा है, और ओवरटेक्स करने में आपको ये कार थोड़ी ज़्यादा इजी लगेगी, आपको इसमें उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी इंक्लाइन पे भी ये कार चलानी है तो पोलो MPI के लिए मैंने पहले भी बोला है कि आपको थोड़ा गियर्स के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा, बट ये इंजन मोर देन इनफ पावर्ड है। और इस कार को आप चाहे पहाड़ों पे ले जाएं, कितने ही ज़्यादा इंक्लाइन वाली जगह पे ले जाएं, फ्लाईओवर पे ले जाएं, फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, विद फुल लोड ये गाड़ी आपको कभी भी पावर की तरफ से आपको इस गाड़ी में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि ऑल्दो इंजन बहुत साइलेंट है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक कार की तरह फील होता है, बट मारुति को रोड नॉइस पे या टायर नॉइस पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। बिकॉज आपको फील होगा कि बहुत सारा रोड नॉइस या टायर नॉइस केबिन में आ जाती है, तो आई थिंक इग्निस में तो ये काफी ज्यादा है। ऑल्दो सियाज एस क्रॉस बलेनो में फिर भी थोड़ी कम है, बट आई थिंक इग्निस में आप ये बिल्कुल सही पॉइंट अभिषेक जी आपने हाईलाइट किया है कि ये मैं भी थोड़ा महसूस कर पा रहा हूँ कि जो बाहर की नॉइज़ है, टायर नॉइज़ है, रोड नॉइज़ है, वो थोड़ी ज़्यादा है और उतनी अच्छी इंसुलेशन इस कार की नहीं है जितनी कि हमें एस क्रॉस में देखने को मिलती है, क्योंकि वो मारुति का एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। एक और पॉइंट जो फीचर इन्होंने दिया है वो आई थिंक डेड पेडल का है, तो अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो आपको वो एक हल्का सा डेड पेडल मिल जाता है, जो कि आई थिंक दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलता आपको, तो आई थिंक वो थोड़ा कंफर्टेबल है इन केस ऑफ लॉन्ग जर्नीज, और ड्राइवर का लेफ्ट फीट थोड़ा आराम कर सकता है क्लच दबा दबा के इन केसेस ऑफ अगर आप लंबी ट्रिप। ये चीज़ जो आपने बड़े सही टाइम पे बताई है, मैं बड़ी देर से पैर उठा के ऐसे बैठा था और अनकंफर्टेबल लग रहा था, आपके बोलते ही मैंने चेक किया और डेड पेडल है और काफ़ी कंफर्टेबल मुझे फील हो रहा है। जैसे अभी मैंने इसे दूसरे गियर में ही थोड़ी देर तक चलाया तो मैंने पैर डेड पेडल पे रख लिया और अच्छा फील हुआ मुझे। और डेफिनेटली जब हम हाईवेज पर जा रहे हैं तो डेड पैडल पे जब हम लॉन्ग जर्नीज पे रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। मैं इस कार को आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, 2100 मैं गियर चेंजेस कर रहा हूँ और मुझे इससे ज़्यादा पावर पर्सनली चाहिए नहीं कभी भी ड्राइव करने के लिए। तो ये इंजन इतना रिलैक्स मैनर में मैं 2000 पे गियर चेंज कर करके पाँचवें गियर पे आ गया, 60 से 70 80 पे मैं पहुँच गया, बड़े आराम से आ गया मैं। और 80 तक आते हुए भी एक जो मैंने मारुति कार्स में जो चीज़ मिस की है, वैगन आर वगैरह चलाते हुए या स्विफ्ट चलाते हुए भी मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, पर इग्निस में मुझे जो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी लग रही है और काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। तो मैं कहूँगा कि इस कार को 120 तक हम इजीली चला सकते हैं, 120 से ऊपर तो आपको कार चलानी ही नहीं है इंडिया में, वो रोड नहीं। और दूसरी चीज़, ये कार लाइट बिल्ड वाली है तो ये कार 120 से ऊपर चलाने के लिए डेफिनेटली नहीं बनी है। आपको माइलेज आपने चेक किया है कि आपको माइलेज इसमें कितनी मिलती है कार में?
अराउंड 15-16 मिल जाती है सिटी ड्राइव में, अभी तक हाईवे पे तो ये नहीं चली है मेजॉरिटी इसकी रन, तो सिटी में 15-16 मिल जाती है। और आपका मतलब ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव है मैं जानता हूँ, तो आप मुझे लगता है कि 2,500 से ऊपर ही गियर चेंज करते होंगे जब भी आपको स्ट्रेच मिलता है तो। हाँ, बिल्कुल, आप मेरे को पहले से जानते हैं और आपको पता ही है कि मैं थोड़ा एक्सेलरेटर पे भारी पैर रख देता हूँ, तो उस हिसाब से ड्राइव ज्यादा ही कर देता हूँ मैं, तो उस हिसाब से तो एवरेज ठीक है। अगर उस हिसाब से तो ज्यादा ही मिल रही है एवरेज आपको। अगर मैं इसे और तमीज से चलाऊं तो आराम से 17-18 आप सिटी में निकाल सकते हैं।